रोटरी इंटरनेशनल और विकलांग चेतना परिषद का संयुक्त तत्वावधान में 4 दिन का कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर शुरू हो गया है। सैकड़ों की संख्या में हितग्राही यहां पर लाभान्वित किए जाने हैं। गुजरात की 2 कंपनियों ने शिविर के लिए सबसे खास योगदान दिया है। समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन रोटरी इंटरनेशनल ने एक बार फिर से निशक्त जनों की सहायता के लिए अपने सरोकार दिखाए हैं। नगर में 4 दिन का विशेष शिविर निशक्त जनों के लिए आयोजित किया गया है, जिसमें उन्हें कृत्रिम हाथ और पैर प्रत्यारोपित किए जाने हैं। कोरबा के अलावा आसपास के क्षेत्रों से जरूरतमंदों ने शिविर में अपना पंजीकरण कराया है। शिविर में तकनीकी सहयोगी और डॉक्टर की टीम उपलब्ध है, जो अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रही है। शिविर के पहले दिन काफी संख्या में हितग्राही यहाँ पर पहुंचे, जिन्होंने अपनी परेशानी को दूर करने के लिए नाप जोक कराई, ताकि इस आधार पर उन्हें सहायता मिल सके। शिविर स्थल पर पंजीयन से लेकर परामर्श, केस हिस्ट्री और अन्य काउंटर बनाए गए हैं, जहां पर संबंधित लोगों को जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। रोटरी क्लब के स्थानीय सचिव नितिन चतुर्वेदी ने बताया कि मुख्य रूप से गुजरात की 2 कंपनियों ने हमें कृत्रिम हाथ और पैर उपलब्ध कराने के तौर पर सहयोग किया है। इसके अलावा अनेक संगठन की सेवाएं हमें प्राप्त हो रही हैं। विकलांग चेतना परिषद, कोरबा रोटरी क्लब और बिलासपुर रोटरी क्लब का संयुक्त प्रयास है, जिसमें कृत्रिम हाथ और पैर जिन व्यक्तियों के किसी दुर्घटना में या किसी वश काट दिए गए हैं या चोट में चले गए हैं, उनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको पैर और हाथ प्रदान करें, और जिसके लिए हमको LN4 कंपनी है वो हाथ प्रदान कर रही है। प्रभा फुट जो है अहमदाबाद की, गुजरात की कंपनी है, वो हम लोगों को वो पैर प्रदान कर रही है जो लोग यहाँ पर वो बना रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों को माननीय मंत्री जी जयसिंह जी अग्रवाल जी का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, लोकल प्रशासन का सपोर्ट मिल रहा है, नगर निगम का सपोर्ट मिल रहा है। रोटरी क्लब ने शिविर के माध्यम से हाथ और पैर के 100-100 मरीजों को लाभान्वित करने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन यह संख्या अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। हम लोगों ने जब ये हमारा शिविर लगना था, उसकी जब एक बुरी वो बन रही थी, आउटलाइन जब बन रही थी, तो हम लोगों ने लक्ष्य रखा था कि कम से कम 100 लोगों को पैर और 100 लोगों को हाथ। वो हम बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हम लोगों ने पैर का जो टारगेट है वो 100 से ऊपर अचीव कर लिया है। मतलब हम लोगों ने अपनी क्षमता जो थी उससे, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो पैर का नाप यहीं पर लिया जाता है, यहीं पर वो पैर बनाए भी जाते हैं, तो वो 4 दिन के शिविर में, 5 दिन के शिविर में 100 पैरों से ज़्यादा क्षमता नहीं होती है बना पाने की, क्योंकि मैनुअली सब चीज़ बनाई जा रही है। तो फिट होगी, उनको चला के देखा जाएगा कि उनका प्रॉपर उनका यूज़ हो रहा है कि नहीं, तो हम लोगों ने उस टारगेट को अचीव कर लिया। 8 दिसंबर तक शिविर का संचालन किया जाना है। रोटरी क्लब की मंशा काफी समय से परेशानी झेल रहे लोगों को इस शिविर के माध्यम से कृत्रिम हाथ पैर उपलब्ध कराने की है, ताकि उनकी मुश्किल कुछ हद तक कम हो सके। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए पवन तिवारी के साथ मनोज यादव की रिपोर्ट।